मंच के है पश्चिम साइड से आए जी, पश्चिम साइड से जितना झांकी बाटे, बड़ा उत्साह बड़ा उमंग के साथ हर कल्याणकारी सभा जिला कार्य समिति रूपंदेही माघी महोत्सव कार्यक्रम आयोजना कैले बा। ये आयोजक टीम लगायत सब जन के हम मंच में आके झांकी के स्वागत करे खातिर हम हार्दिक अनुरोध करे चाहत बाटी। हमर के बीच में शुद्धोधन गांव पालिका ओडा नंबर 2 खड़ा बनगाई के झांकी आइल बा, मंच में आके अपन झांकी प्रदर्शन कई दिहल जा। ओकरे बाद थारू सांस्कृतिक समर्थन समाज माया देवी आठ मधुखोलवा एक रुक जाएंगे, ये झांकी अपन प्रस्तुत कई के जाए तब दूसरा झांकी कर्मशः मंच में प्रदर्शन कई दिहल जाए कही के हम हार्दिक अनुरोध करे चाहत बाटी। महिला बचत तथा ऋण स्वागत और सम्मान व्यक्त करे के खर दिन हम रोहिणी 4 बिरनी के झांकी के जोरदार ताली से चुम्मी के झांकी के जोरदार ताली से सब बाबू लोगन के स्वागत बा। और आज के हमन के एकदम मूल नारा बा थारू भाषा कला संस्कृति और पहचान न्याय सम्मान अधिकार के संघर्ष हमन के पहचान के कार्य आज के ही कार्यक्रम के हमन के एकदम हमरे शुरुआती दौर में बांटिल जा। थारू कल्याणकारी सभा जिला कार्य समिति रूपंदेही के सभापति आदरणीय सतीश कुमार चौधरी जी के आसन ग्रहण कर दे खर्ती में हार्दिक अनुरोध करे चाहती कृपया उपस्थित अनुरोध करे चाहत बाटी। ऐसे ही अभी ने नई आयल बाटा हमन के प्रतीक्षा के घड़ी में बाटिल जा। आज के मुख्य आकर्षक आज के केंद्र बिंदु हमन के नेपाल सरकार पूर्व गृह मंत्री माननीय बालकृष्ण खाड जी होला, उनके परखाई में उनके आगोराई में उनके प्रतीक्षा में हमरे बाटिल जा। ऐसा ही आज के विशिष्ट अतिथि के आसन ग्रहण कई दे हर दिन लुम्बिनी प्रदेश सदस्य एवं थारू कल्याणकारी सभा केंद्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व श्री देवी प्रसाद चौधरी जी के विशिष्ट अतिथि के आसन ग्रहण कई दे हर दिन हार्दिक अनुरोध करे चाहत बाटी। हमन के थारू कल्याणकारी सभा जिला कार्य समिति रूपंदेही के सदस्य प्रेम कुमारी चौधरी और उनके साथ में विशिष्ट अतिथि के आसन ग्रहण कई दे हर दिन लुम्बिनी प्रदेश सदस्य नेपाली कांग्रेस संसदीय दल के नेता आदरणीय दिल्ली बहादुर चौधरी जी के आसन ग्रहण कई दे हर दिन हार्दिक अनुरोध करे चाहत बाटी। ऐसा ही विशिष्ट अतिथि के आसन ग्रहण कई दे हर दिन लुम्बिनी प्रदेश सदस्य आदरणीय माननीय तुलसी चौधरी जी के मंच में आके आसन ग्रहण कई दे हर दिन हार्दिक अनुरोध करे चाहत बाटी। विशिष्ट अतिथि के आसन ग्रहण कई दे हर दिन ओम सतिया गांव पालिका उपाध्यक्ष आदरणीय सुनीता चौधरी जी के हम मंच में आके आसन ग्रहण कई दे हर दिन हार्दिक अनुरोध करे चाहत बाटी। आज के विशिष्ट अतिथि के आसन ग्रहण कई दे हर दिन पूर्व माननीय आदरणीय पुष्पा चौधरी जी के हम आसन ग्रहण कई दे हर दिन हार्दिक अनुरोध करे चाहत बाटी। विशिष्ट अतिथि के आसन ग्रहण कई दे हर दिन लुम्बिनी संस्कृति के नगर पालिका के नगर प्रमुख आदरणीय सजरुद्दीन मुसलमान जी के हम मंच में आके आसन ग्रहण कई दे हर दिन हार्दिक अनुरोध करे चाहत बाटी। ऐसा ही विशिष्ट अतिथि के आसन ग्रहण कई दे हर दिन माया देवी गांव पालिका अध्यक्ष आदरणीय ध्रुव नारायण चौधरी जी के हम मंच में आके आसन ग्रहण कई दे हर दिन हार्दिक अनुरोध करे चाहत बाटी। आदरणीय थनेश्वर घिमरे जी के मंच में आके आसन ग्रहण कई दे हर दिन हार्दिक अनुरोध करे चाहत बाटी। ऐसा ही विशिष्ट अतिथि के आसन ग्रहण कई दे हर दिन सियारी गांव पालिका के उपाध्यक्ष आदरणीय तारा चौधरी जी के मंच में आके आसन ग्रहण कई दे हर दिन हार्दिक अनुरोध करे चाहत बाटी। ऐसा ही लुम्बिनी सांस्कृतिक नगर पालिका के प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आदरणीय भूपेंद्र पांडे जी
पार्टी के मंच में आके आसन ग्रहण कई देख खर्तिन हार्दिक अनुरोध करी चाहत बाटी। थारू कल्याण कड़ी सभा पश्चिम नवलपरासी के सभापति आदरणीय मुंद्रिका प्रसाद चौधरी जी के हम हार्दिक अनुरोध करी चाहत बाटी। ऐसन ही अतिथि के आसन ग्रहण कई देख खर्तिन थारू कल्याण कड़ी सभा नवलपरासी के उपसभापति आदरणीय बाल गोविंद चौधरी जी के हम आसन ग्रहण कर देख खर्तिन हार्दिक अनुरोध करी चाहत बाटी। युवा सभा रूपन देही के सभापति आदरणीय धनीराम चौधरी जी के हम आसन ग्रहण कई देख खर्तिन हार्दिक अनुरोध करी चाहत बाटी। ऐसन ही थारू कल्याण कड़ी सभा युवा सभा रूपन देही के सचिव राजकुमार चौधरी जी के हम थारू परिकार वहाँ निश्चल लगत बा एकदम ओकर स्वाद आप सब जना ले शोभा बढ़ाई जा आज ई कार्यक्रम के मजा ले हल सके के हम सब जन के हार्दिक अनुरोध करी चाहत बाटी। आज थारू कल्याणकारी सभा रूपंदेही के आयोजना में माघ महोत्सव के भव्य समारोह होत बा। एहमे ई कार्यक्रम हमरे काहे कइल जात बा तो प्रमुख हमन के का होखे कि थारू कल्याणकारी सभा रूपंदेही बहुत मेहनत के साथ बहुत दाता लोग के देहले खर्दिन आज हमरे यहाँ एठो थारू भवन संग्रहालय निर्माण कैल गेल बा। ई कार्य समिति निर्माण कई चुकल बा। इहे भवन के उद्घाटन ओकर साथ साथ जिला भर के थारून में ई एकठो मैसेज जाए एकठो संदेश जाए कि थारू कल्याणकारी सभा रूपंदेही एकठो संग्रहालय के आज उद्घाटन कैल ओकरे साथ साथ ओकर निर्माण प्रक्रिया भी शुरू बा। एहमे हमन के आदरणीय माननीय सभासद तुलसी प्रसाद चौधरी, माननीय पूर्व माननीय पुष्पा चौधरी, वैसे आदरणीय हमन के देश में आसीन विशिष्ट अतिथि आदरणीय दिल्ली बहादुर चौधरी के योगदान से और ओके से बड़ी योगदान हमन के आदरणीय अष्टभुजा चौधरी के योगदान जौन जगह दादा बाटा हम वहाँ के स्मरण करे चाहत हैं। वहाँ सब के योगदान से आज हमारे रूपंदेही जिला में ये भवन खड़ा कई चुकल गेल बा और एकर ऊपर जोन संग्रहालय निर्माण प्रक्रिया बा उ जारी बा। हमरे बहुत आशा और भरोसा कैल गेला। अभिन भी हमन के आदरणीय माननीय लोग डैश में बाटा हमरे आशा कैल जा कि हमन के ये भवन संग्रहालय के रूप में आवे वाला दिन में तैयार होए। ये सबके हो, सब थारून के हो, रूपंदेही जितना हमरे 1,25,000 थारू रहल गेला सब थारू लोग के भवन यह हो कही के हम अनुरोध करब। आप लोग ई कार्यक्रम में जौन अपन अपन विभिन्न किस्म के कला संस्कृति और वेशभूषा खान पान रहन सहन के अधिकार के खातिर जुटल गेल बा आप लोग के बहुत बहुत धन्यवाद दे। फिर हम प्रमुख अतिथि लगाए विशिष्ट अतिथि लोगन सब जन के उपस्थिति सब जन के हम थारू कल्याणकारी सभा रूपंदेही के तरफ से और हम जिला कोषाध्यक्ष से चंद्रभान चौधरी के तरफ से हृदय से दिल से आप लोग के स्वागत करत अपन छोट स्वागत मंतव्य इन्हीं अंत करत हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय थारू। आप सब जना सारी खोए खर्तिन हम हार्दिक अनुरोध करी चाहत बाटी। Bye.
बाजे डफला गुडेंगे डेंगे सेमरा फुलाइल हो ना 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 अरे हो सुनी ले हु ननदी के भैया लगनिया ने राइल हो ना नदी के भैया लगनिया ने राइल हो ना अरे हो सुनी ले हो नदी के भैया लगनिया ने राइल हो ना अरे हो सुनी ले हो नदी के भैया लगनिया ने राइल हो ना अरे हो सुनी ले हो नदी के भैया लगनिया ने राइल हो ना अरे हो सुनी ले हो नदी के भैया लगनिया ने राइल हो ना अरे हो सुनी ले हो नदी के भैया लगनिया ने राइल हो ना रहा चुपी रहा धनिया बचनिया न सोरा करा चुपी रहा धनिया बचनिया न सोरे करे चुपी रहा चुपी स्वागत करन जा हमन के बीच में आज के प्रमुख स्पर्शक हमन के आज के प्रमुख अतिथि नेपाल सरकार पूर्व गृह मंत्री जी के आगमन हो चुकल बा हमन के प्रमुख अतिथि के आसन ग्रहण कई दे खर्तिन बाल कृष्णा खार जी के प्रमुख अतिथि के आसन ग्रहण कई दे खर्तिन हार्दिक अनुरोध करे चाहत बाटी आप सब जना जोरदार ताली लगा के स्वागत करल जा ताली बजाए चाहते आप सबके हेल्थ के भी एकदम फायदा करी उन्हीं से ताली बजाए खर्तिन कंजूसाई ना करल जा गड़गड़ाहट ताली बजाए जा आप सब जना ताली बजा के स्वागत करल जा ऐसा नहीं हम अतिथि के आसन ग्रहण है फिर से अतिथि के आसन ग्रहण है हम जोड़े चाहत बाटी विशिष्ट अतिथि के आसन ग्रहण कई दे खातिर तिलोत्तमा नगर पालिका के उप प्रमुख आदरणीय व्यक्तित्व जगेश्वरी देवी चौधरी जी के हम मंच में आके विशिष्ट अतिथि के आसन ग्रहण कई दे खातिर हार्दिक अनुरोध करे चाहत बाटी चावल परासी थारू कल्याणकारी सभा के केंद्रीय पार्षद आदरणीय सुलेमान चौधरी वैसन ही थाकासा केंद्रीय पार्षद नवल परासी के पशुपति चौधरी जी के मंच में आके अतिथि के आसन ग्रहण कई दे खातिर हार्दिक अनुरोध करे चाहत बाटी वैसन ही आज के हमन के प्रमुख अतिथि जी के सम्मान स्वरूप थारू समुदाय के शान थारू समुदाय की पहचान थारू समुदाय के सम्मान पगड़ी बंद है खर्दिन हम पगड़ी के टेक्नीशियन आदरणीय सीनापा के सदस्य थारू कल्याणकारी सभा के सदस्य आदरणीय रुक्मिणी देवी चौधरी जी के हम आसन ग्रहण कई दे खर्दिन हार्दिक अनुरोध करे चाहत बाटी ऐसन ही हम फिर से आसन ग्रहण कार्यक्रम हम जोड़बे कर हमरे उद्घाटन करेंगे करल जाई ऐसा ही हम सब जन के सूचना संप्रेषण करे चाहत बाटी अपन छोट शुभकामना मंतव्य दे खातिर हार्दिक अनुरोध करे चाहत बाटी आज का प्रमुख केंद्र बिंदु ये क्षेत्र के ये जिला के अंतिम वर्ष हस्त धन्यवाद नमस्कार ऐसा ही हमन के आज के भव्य माघ महोत्सव कार्यक्रम के सभ्य भव्य तरीका से उद्घाटन कई दे खर्दिन नेपाल सरकार पूर्व गृह मंत्री आदरणीय व्यक्तित्व माननीय बालकृष्ण खाँड जी के अपन कर कमल से यह कलश में दीप प्रज्वलन करके आज ये कार्यक्रम के उद्घाटन कई दे खर्दिन हार्दिक अनुरोध करे चाहत बाटी ऐसा ही साथ में संपूर्ण विशिष्ट अतिथि लोगन के भी हम यहाँ साथ दे खर्दिन हार्दिक अनुरोध करत फिर से यहाँ जुगड़ी हम हार्दिक अनुरोध करे चाहब एकदम धैर्य धारण करके बैठल सही ऐसा ही हम तमाम किस्म के मंच में तमाम किस्म के प्रस्तुतिकरण होबे करी ऐसा ही एकदम ताली बजा के जोरदार ताली बजा के आप सब जना स्वागत करे सा आज के भव्य मान महोत्सव समारोह के आज उद्घाटन होत बा आज एकदम
देश में विभिन्न जाति जनजाति से निर्माण बन के देश में एक ठो थारू जाति हमन लोग बाटी यहाँ, और ये थारू जाति के पहचान अस्तित्व के जो हमन के अभियान बा, वो अभियान में थारू कल्याणकारी सभा अक्सर बा एक अधिकार के लिए लड़त बा कि थारू लोगन भी हक अधिकार के आवश्यकता बा, और थारू लोगन भी हर एक अंग में हर एक निकाय में जाए के अवसर मिले के चाहिए कहाल के हमन के मांग हो। फिर भी ये मांग के पूरा करे के लिए हमन के अभियान जारी बा। फिर भी हमसे आगे भी एक ठो वक्ता कहला कि सबसे बड़ी का हुआ कि हमन की संस्कृति एकदम संस्कृति के हमारे एकदम धनी समुदाय हो जाला। संस्कृति भी हमन के अच्छा बा, कहे से कि हमन के जौन थारू समुदाय के गीत आप लोग सुनल जात हो टिकटॉक में, कहाँ पर्च बाटू काठमांडू शहर ये गीत टिकटॉक में फेमस हो गए बा। तो एक मतलब का हुआ कि थारू भाषा संस्कृति के अरू जात जाति भी एक महत्व देत बाटा। तो हमारे अब सांस्कृतिक हिसाब से धनी होले से अब हमारे शैक्षिक हिसाब से आर्थिक हिसाब से ये समाज संपन्न हो जरूरी बा। अब के हमारे के अभियान शैक्षिक हिसाब से और आर्थिक हिसाब से हमारे के आगे बढ़े बा। वो कर लिए अगर आप लोग शैक्षिक हिसाब से आगे बढ़े के जौन योजना बा वो कर लिए हमारे अध्ययन के जरूरी बा। बिना अध्ययन कैले हमारे कोनो भी तौर तबका में नहीं पहुँच पावल जाए, ओकरे लिए अध्ययन जरूरी बा। ओकर बाद आर्थिक हिसाब से आगे बढ़े के लिए जो हमन के संस्कृति हमन के जनी उत्पादन बा ओके चाहिए बाजार में ल्यान के ओके आर्थिक रूप में अगर हमारे परिणत कई सकल जाए तो हमारे अवश्य आर्थिक रूप में भी सफल और सक्षम हो पाए जाए। व्यक्तित्व श्री भगवती प्रसाद चौधरी जी के हम छोट शुभकामना मंतव्य राखी करते हार्दिक अनुरोध। हमन के जिला में आयोजित कार्यक्रम में हमारे बहुत दूर दूर से कार्यक्रम सफल करे कथिन सहभागी भइल गेला। हमन के पुरखा लोग हमन के आजा बाबा लोग कितना दूरगामी ओखन के सोच रहे, ओखन के कितना दीर्घकालीन विचार रहे कि आज ये थारू कल्याणकारी संस्था सातों दशक पार कई के आठों दशक में प्रवेश कई लेवा, अर्थात स्थापना काल से आज 74 वर्ष के पूरा पूर्व अवधि में ये संस्था बा। संस्था के मूल भूल उद्देश्य की थारू समुदाय में रहल के विकृति विसंगति रूढ़िवादी परंपरा गलत विचारधारा के अंत कैल जा, नया सोच के आगमन कैल जा, नया विचार से आगे बढ़ल जा, सामाजिक रूप से कैसे सुधार हुई समाज के ई समुदाय के सुधार कैल जा, वैसे ही आर्थिक रूप में कैसे आगे बढ़ल जा, कैसे समृद्धि समृद्ध हो जा, राजनीतिक क्षेत्र में कैसे नेतृत्व पंक्ति में आई जा, कैसे आगे बढ़ल जा, यही संस्था के मूलभूत उद्देश्य हो। दाजू भाई दीदी बहनी समय के अभाव पर हम यह आप लोगन से अनुरोध करे के चाहत थी आज ये कला संस्कृति जो आप लोग प्रदर्शन कर गई एकर संरक्षण एकर संवर्धन एकर जगेरना एकर बचाव करे हमन महिला दीदी लोगन के बहुत बड़ा दायित्व भूमिका बा। यह अपन अपन प्रस्तुतिकरण करे खरीद हार्दिक अनुरोध करे चाहत बाटी। स्वागत करी हम सकुजने के, स्वागत करी हम सकुजने के, करी हम अभिनंदन दूर दूर से आपने लुम्बिनी बंकानन में
देख के हर्षित भैली कपिल मुनि के आंगन में भैली छा पूरा मन के हो भैली छा पूरा मन के सबको भाई बहन के स्वागत करी हम सबको जने के करी हम अभिनंदन अपन शुभकामना मंतव्य देह खरतीन तिलोत्तमा नगर पालिका नगर उप प्रमुख आदरणीय जागेश्वरी चौधरी जी के हम अपन शुभकामना मन छोट मंतव्य देह खरतीन हार्दिक अनुरोध करी चाहत बाटी। खिचड़ी नया वर्ष के रूप में हमन के अग्रज लोग मनावत आयल रहना उहे संस्कृति अनुसार विगत में हमन के अग्रज लोग अपन बिटिया बहिन के बोला के अपन घर में खिचड़ी मनावत रहले पियर पियर भात खात रहले लेकिन समय परिवर्तन संग संगे अब हमारे सामूहिक रूप में ये खिचड़ी महोत्सव मनाए लागल गई और थारू लोगन के अपन हक अधिकार के विषय में विषय उठान करे के खातिर एक खाल के ही फोरम भी हो उही से अब हमारे सामूहिक रूप में खिचड़ी महोत्सव कई के सबसे भेंट घाट कई के खुशी साटा साट कई जाती और अपन संस्कृति हमारे कैसे जगरना करे वो विषय में हमारे एक आपस में अपन मंतव्य भनाई हमारे साटा साट कल जाती फिर भी हमारे थारू लोगन के एक खाल के हमारे तराई के धरती पुत्र थारू लोग होगी हमन के अपन छुट्टे पहचान बा हमन के छुट्टे संस्कृति बा हमन के अपन धर्म बा तो एक जगेरना करे हमारे सब जन जिम्मेवार बने जरूरी बा आज खिचड़ी महोत्सव के बीच समय में उपस्थित होके अपन अधिकार अपन संस्कृति जगेरना करे के खातिर सिर्फ ये ऐसन फोरम में भर उठैले से नहीं हुई हमारे निरंतर रूप में अपन थारू के हक अधिकार अपन संस्कृति जगेरना करे के खातिर हरेक फोरम में हरेक समय में हमारे नेतृत्व करे जरूरी बा जब तक हमारे हर समय हर बरहो मास हमारे
उ अपन बात नहीं उठावल जाए तब तक हमारे स्थापित नहीं हो सकल जाए। हमन के संस्कृति हमारे जगरना नहीं कर पावल जाए, हमन के अधिकार हमारे स्थापित नहीं कर पावल जाए। ऐसे ही खिचड़ी महोत्सव के समय में भर ई बात उठैले से नहीं हुई। हमन के देश में तीन तरह के सरकार बा, संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार। ई तीनों तरह के सरकार से हमेशा भेंट घाट करे के, समन्वय करे के, अपन समस्या वहाँ रखे के खातिर ई जरूरी बा। जब तक हमारे हरेक सरकार से, हरेक नेतृत्वदायी व्यक्ति लोगन से हमारे समन्वय नहीं कल जाए तब तक हमन के अधिकार, हमन के ई पहचान संरक्षण नहीं कर। पश्चिम नगर प्रवासी थारू कल्याणकारी सभा के सभापति जी के हम मंच में शुभकामना दे खातिर हार्दिक अनुरोध करी चाहत बानी। आज ही रूपंदेही जिला में हमन के सब अपन अपन ठौर से जुटल गए, तई एठो शुभकामना आदान प्रदान के कार्यक्रम आ खिचड़ी महोत्सव में अपन तीत मीठ बतियाए के थोड़े अवसर मिला ला। काहे से कि यहाँ पूर्व गृह मंत्री लगायत संसद दल के नेता अभिनव के तत्काल निर्वाचित हो के जौन गैलवाटी जा गाँव पालिका नगर पालिका और प्रदेश सभा में वहाँ सब के अवगत करावल जरूरी बा कि वास्तव में हमन के थारू कल्याणकारी के ही जिम्मा बा कि पहचान, अधिकार, सुशासन, संघीयता आ हमन के थारू के मांग मुद्दा खाली हमन के थारू कर्णकारी ही अपन जान, अपन पहचान जौन की जान गुमा के आ यहाँ सबके रगत बगा के 5-6 शहीद विपिन खड़का, प्रकाश, धन बहादुर थनैत लगायत 5-6 शहादत प्राप्त बने वहाँ लोगन के हम अपन व्यक्तिगत तरफ से भी आ पश्चिम और प्रासी के तरफ से वहाँ लोगन के श्रद्धांजलि और सम्मान अर्पण करल चाहत हैं। वैसने हमन के उमा चौधरी जी के अपन प्रस्तुतिकरण देखाई खातिर हम हार्दिक अनुरोध करे चाहत बाटी, जोरदार सी ताली बजा के स्वागत करल जा। लगा ले चूड़ी कंगन बिंदिया झुमका लगा ले आई छैना मोदी
के तैयारी अवस्था में रहे खर्तिन हार्दिक अनुरोध हम करिक चाहरबाटी पर्यटन ग्रामीण तथा शहरी विकास मंत्रालय के निवर्तमान मंत्री सामाजिक व्यक्तित्व हाई भवनवा में सबसे ढेर पैसा पढ़ाए वाला 1 करोड़ पैसा पढ़ाए वाला हमन के आज के विशिष्ट अतिथि हमन के माननीय दिल्ली चौधरी जी के हम अपन सार गर्वित शुभकामना मंतव्य देहि खर्तिन हार्दिक अनुरोध करत बाटी ऐसे सब जन के ताली बजा के गड़गड़ाहट के से आप सब जना स्वागत करे खर्तिन यहाँ मंच में हम निमचा चाहत ताली बजा के स्वागत कर दे मागी हामीले यो कारणले नया वर्ष भनेका छौ हामीले पश्चिम तीर गयौ भने माघी आजकै दिन सबैले मुक्ति पाउने दिन माघीमा मात्रै थारुहरू कमैयाबाट मुक्ति पाउने त्यसपछि फेरि अर्को सुरुवात गर्ने तपाईहरुको तपाईहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु धेरै पहिले यहाँ कुनै कानून नियम कानून नहुँदा थारुहरूले आफ्नै नियम कानून बनाएका थिए आफ्नै तरिकाले प्रजातान्त्रिक तरिकाले थारुहरू त्यो बेलामा मटौ र बर्गर चुन्ने आफ्नो नेता चुन्ने गर्थे त्यो बेला कुनै जमानामा भोट हुँदैन थियो तर थारुहरूले आफ्नो नेतालाई भोट हालेर चुन्थे त्यही भएर थारू सबभन्दा प्रजातान्त्रिक हुन् सबभन्दा पुरानो जाति हुन् भन्ने कुरा यहाँ समक्ष राख्न चाहन्छु आज हाम्रो ब्यानरमा थारू कल्याणकारिणीको ब्यानरमा हामी आमसभा गर्दैछौँ आमसभा गर्दै गर्दा तपाईँहरूका दुई तिनवटा कुरा म राजनीतिक कुरा राख्न चाहन्छु अघि नवलपरासीको सभापतिजीले भन्नुभयो हाम्रो के अरे धनीरामजी राष्ट्रिय अध्यक्ष अहिले जेलमा हुनुहुन्छ आज हामी यहाँ आदरणीय नेता पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण दाई यहाँ हुनुहुन्छ यहाँ धेरैले भन्नुभयो थारूले विद्रोह गर्नुपर्छ पनि भन्नुभयो यहाँ विद्रोहको कुरा न कुरा त कुरा गरौँला तर तपाईँलाई दुई तिनवटा कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु आदरणीय नेता बालकृष्ण दाई न्यायको लागि लड्दा लड्दै रूपन्देहीमा हार नपुग्नु भएको छ नागरिकता विधेयक ल्याउनु भयो जसले जहाँ अन्याय भएको छ नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिन्छु भनेर ल्याउनु भयो तर त्यो नागरिकता कसै कुन दलबलले पास भएन त्यो तपाईँहरूले थाहा छँदैछ नागरिकता विधेयकमा यति धेरै तक्लिन भएर लाग्नुभयो जसले यो नेपाली नागरिक छ नेपाली नेपाली हो तर नागरिकता पा छैन त्यसै नागरिकता पाउनुपर्छ भनेर लाग्नुभयो त्यो कुराले उहाँलाई उहाँसँग म धेरै लामोसँग सँगसँगै देखेको छु हिँडेको छु यो 5 वर्षको लामो यो सङ्कटमा उहाँको नजिकबाट कसरी तल न्याय पुर्याउन सकिन्छ भनेर लागेको मैले देखेको छु हामीले थारू कल्याणकारिणीको कुरा गर्दैछौँ धनीराम चौधरीका कुरा गर्दैछौँ रेशम चौधरीका कुरा गर्दैछौँ हामीले के अरे लक्ष्मण चौधरीका कुरा गर्दैछौँ थुप्रै हामीले राजबन्दीका कुरा गरेका छौँ त्यो तपाईँले थारूको मात्रै होइन थारूलाई न्याय दिनुपर्छ थारूलाई न्याय चाहिन्छ तिनीहरू निर्दोष छन् भनेर आदरणीय नेता बालकृष्ण खानकै उसमा अध्यादेश आएको थियो यदि उहाँ हुँदैनथ्यो भने त्यो अध्यादेश हुँदैनथ्यो त्यो अहिले राजनीतिक मुद्दा बन्दैनथ्यो त्यसैले म थारूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु हामीले थाहा पाउनुपर्छ हामी थारू मात्रै होइन अरू थारूहरू अरू नेताहरू पनि यसमा लाग्नुभएको छ थारूलाई न्याय दिनको लागि लाग्नुभएको छ रूपन्देहीका थारू दाजुभाइहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु आफू उहाँले अर्कोलाई न्याय दिने लाग्दा लाग्दै हामीले कहिले कहीँ हामीले अन्याय त गरेका छैनौँ मोरङको संस्कृतिहरू हामीले अब आदान प्रदान गर्नुपर्छ त्यसैले हामीले त्यसलाई हामीले होमस्टे बनाएर अथवा गाउँ गाउँमा थारू संस्कृतिलाई कसरी बचाउने थारू सिप र जाँगरलाई कसरी बचाउने भन्ने कुराहरू हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा आज थारू कल्याणकारिणी सबभन्दा पुरानो संस्थाको ब्यानरमा रूपन्देहीमा कार्यक्रम हुँदै गर्दा तपाईँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु त्यसैले म तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्छु हामीले गर्नुपर्ने धेरै कामहरू छन् हामीले आफ्नो संस्कृतिहरू कतै इन्डियाको प्रभावमा परेर कतै दोस्रो जातिको प्रभावमा परेर हामीले धेरै कुराहरू गुमाइरहेका छौँ हामीले संस्कृति बचाउनुपर्छ अबको जमाना भनेको सेफ द कल्चर सेल्फ द कल्चरको जमाना आइसक्यो संस्कृति बचाउ र त्यसलाई व्यवसायीकरण गर हाम्रो आफ्नो सिपलाई व्यवसायीकरण गर त्यहाँ राखेका घोङ्गी ग्याङ्टा हामी जे जे बचाउँ त्यसलाई व्यवसायीकरण गर त्यसलाई अगाडि बढाऊ अनदीको रोटी बेच अनि उतातिरका थारूहरूले जहाँ रक्सी बनाउन जानेका छन् यतातिरका थारूहरू त्योभन्दा दोस्रो खालका खानाहरू बनाउन जानेका छन् यी सबै विविधतालाई एक ठाउँमा ल्याएर हामीले
अब हाम्रो संस्कृतिलाई अगाडि बढाउनु पर्छ, हाम्रो संस्कृतिलाई बचाउनु पर्छ, हाम्रो खानपिनलाई बचाउनु पर्छ, यही कुराहरूलाई महिलाहरूलाई कसरी रोजगारीमा लैजाने, पुरुषहरूलाई कसरी रोजगारीमा लैजाने, आफ्नो संस्कृतिभित्रै हामीले खोज्नुपर्ने जरुरी छ। हामी कहाँ धेरै संस्कृतिहरू हराउँदै गएका छन्, हामी कहाँ विभिन्न खालका संस्कृति छन्। म यहाँका राष्ट्रिय कलाकारका भाइहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामी कहाँ मैना जस्तो डोहोरी गीत छ, सजना जस्तो डोहोरी गीत छ, हामी कहाँ विरक्तका गीतहरू छन्, धेरै आधुनिकतातिर नगएर पनि हामीले आफ्नो संस्कृतिलाई बचाउन सक्छौँ र त्यसलाई सम्बन्धन गर्न सक्छौँ र त्यसलाई नै व्यवसायीकरण गरेर हामीले पैसा कमाउन सक्छौँ भन्ने कुराहरू यहाँ समक्ष राख्न चाहन्छु। आज थारू कल्याण कारिणीले जुन काम गरेको छ, म तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै रूपन्देहीमा बोल्दै गर्दा पश्चिम कञ्चनपुरको बोली एउटै हुनुपर्छ, पूर्व मेचीमा एउटै बोली हुनुपर्छ, मोरङमा एउटै बोली हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू राख्न चाहन्छु। मलाई थाहा छैन भोलि के हुन्छ, तर मेरो आदरणीय दाजु आदरणीय नेता बालकृष्ण खानले जुन थारूलाई माया ममता गर्नुभएको छ, जुन तमाम राजबन्दीहरूलाई कसरी छुटाउने भनेर जुन मेहनत र परिश्रम गर्नुभएको छ, म थारू कल्याण कारिणीको ब्यानरमा बोल्दै गर्दा उहाँको हामी आभारी छौँ। हामी त्यस उहाँलाई आभार प्रकट गर्दै उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी दिनमा पनि तपाईँ हाम्रो प्रेरणाको स्रोत हुनुहुन्छ, त्यो स्रोत सधैँ हामीले पाइराख्नेछौँ। थारूहरूले तपाईँको माया ममता र तपाईँको छत्र छाया पाइराख्नेछ भन्ने विश्वासको साथ माघी महोत्सव र नयाँ वर्षको सबैलाई शुभकामना दिँदै संस्कृति बचाउँ र त्यसलाई व्यवसायीकरण गरौँ भन्ने उद्घोष गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। म सधैँ तपाईँहरूको संस्कृति बचाउन तपाईँहरूको साथमा छौँ। तपाईँहरूले
कुछ भी जो बने उनके सम्मान स्वरूप आज हम उनके बीच में हमारे तमाम सहयोगी हाथ के रूप में, चाहे वो सुदोधन के अगुवाल हों, जिला समन्वय समिति के नेताजी हों, या डैश पर विराजमान तमाम लोग अल हैं, तमाम लोग जो बड़े विदा भी हो चुकल बाटे हैं, शाम के समय हो चुकल बा, हम इतने कह चाह उस संपूर्ण के साथ में लेते हुए आप लोग से यह कहा चाहब कि रंग ये कार्यक्रम जो बा थारू माघी के अवसर पर जौन बा संस्कृति और सभ्यता के जगेरना करे खातिर, पहचान के बचावे खातिर इस स्टेज पर खड़ा होके जिला के विभिन्न ठाव में हमारे आयोजना कई जाला। हर एक साल माघ मनावल जाता, एक नाते गीतियो बा हर साल आवत माघी, तो निश्चित रूप से आगे माघी खातिर आप लोग तैयार रह जाई। अब सिर के माघी हमारे जौन बटे आज सात कथे के दिन रखल गई बा, सात कथे के दिन आप लोग जुट के माघी महोत्सव के एक सफलतापूर्वक जौन बढ़े जौन अंजाम धर गई बा, ये उपस्थिति कई के संस्कृति देखावे खातिर, नाच गान जौन बापन पहिरन वेशभूषा देखावे के लिए जौन हमारे भाई बहनी लोग बाटे उन्हें के भी हम धन्यवाद दे चाहब। और उन्हें के एक धन्यवाद यह मामले में बा कि नाच गान अपने जगह पर बा, लेकिन शिक्षा भी अपने जगह पर बा, ओके आप लोग के शिक्षा हासिल कही जाए बढ़िया से कही जाए, कहे कि यह देश में अपन सम्मान बचावे खातिर शिक्षक हो, शिक्षित हो बहुत जरूरी बात। ऐसे आप लोग से यो कहे केवल नाच गाना में न भुलाई जाए, न रमावल जाए, शिक्षित होके, कहे कि बिहान बिना शिक्षित महिले या देश में या राज्य में अपन अधिकार के सुनिश्चितता नहीं दे पाओ जाए। तो आदरणीय साथी लोग बहुत समय नहीं ले बे, कहे कि बहुत शॉर्ट टाइम बा, हम एक बात कह चाहे कि जैसे कुछ एक साथी लोग कहने कि जौन बाटे टीकापुर के घटना के संदर्भ वाला, निश्चित तौर पर अब हमारे आदरणीय नेता दिलीप बहादुर चौधरी जी बहुत ही स्पष्ट शब्द में इस बात के ब्रीफिंग कह चुकल बाटे हैं, जैसे कि हमन के जौन बाटे टीकापुर के घटना 62 के असोज 27 कथे के दिन जौन घटना घटल, वो घटना के बारे में पूरा देश लोग जो हमारे अनभिज्ञ रहने, लेकिन सब के मालूम हो गई कि जौन बाटे एहमे थारू लोगों के ऊपर अन्याय भई। आज दिन पिछले दिन के जौन बाटे आदरणीय नेता शेर बहादुर देउवा भी जौन बाटे इस बात के स्वीकार कैले कि नहीं थारू निर्दोष होने, वही के तहत आदरणीय नेता जौन आज के थारू के साथ सामने बाटे, थारू के प्रति अपन बहुत जौन बाटे समय देत, उनके कदर करत, आई वास्तविकता से परिचित होके उन्हीं के कहले के द्वारा आज दिन जौन बाटे आदरणीय नेता शेर बहादुर देउवा जी थारू निर्दोष बा, इस सबके अविलंब जौन बाटे छुटावी चाहिए। और हमारे आदरणीय नेता बालकृष्ण खान जी ये वो ओके जौन बाटे लेके कैबिनेट में जौन बाटे लेके राजनीतिक आपराधिक मुद्दा से राजनीतिक मुद्दा में परिवर्तित कई देना उन्हें कई लोग, और ओकरे बाद जौन बाटे चुनाव लड़ना है, चुनाव में कुछ बात हमारे थारुओ पर आवाला इल्जाम तो हमनों के ऊपर बा कि हम मदद कैली, लेकिन थारू भाई हमन के मदद नहीं कही पहले, आज हार के जौन बाटे सेहरा बांध के बैठल बाटे, हारल बाटे, जबकि थारू के प्रति उनके बहुत ज्यादा योगदान बा, सब जान वाला आपके ये 3 नंबर क्षेत्र के विभिन्न विकास के कार्यक्रम में उनके योगदान बाटे हैं। आ यहाँ तक जाना जाए जैसे अब कहने कि हो सही बात हो, आज जौन बाटे 12 जिला में एकमात्र थारू हमार लेके जौन बाटे नाम उन्हीं के देन हो, उनके देन हो कि आज आप लोग के सामने हम जौन बाटे सभासद के हैसियत से आप लोग के साथ बाटी, आवे वाले दिन में हम प्रतिबद्ध बाटी, कटिबद्ध बाटी आप लोग के प्रति, कौनों भी क्रियाकलाप, कौनों भी विकास निर्माण के काम, कौनों भी सुख दुख में देवी चौधरी हमेशा आपके साथ बा, और वो सम्मान देवे खातिर आदरणीय नेता बालकृष्ण खाड़ के जौन बाटे देने के नाते, जौन बाटे इस सम्मान देने के नाते, इन संविधान इस जौन बाटे प्रदेश सभा के सदस्य के रूप में हम एक रूप पहचान देने, एक लिए भैया एक बार जोरदार ताली जौन बाटे सम्मान के स्वरूप जौन बाटे हमारे नेता बालकृष्ण खाड़ के।
यही तरह से साथी लोग आवे वाले दिन में सब कुछ जान लगे गए आप लोग। कुछ एक लोग भाई लोग जे नहीं समझ पहले वो जन में कॉमेंट लिख लें कि लॉलीपॉप हो ये जन बने लॉलीपॉप देखे चॉकलेट देखे जो भुलवाए वाला काम करे बिल्कुल नहीं ये गलत बात हो। एक समझे पर आला जाने पर आला बुझे पर ही कि वाकई में जो टीकापुर के घटना के प्रति संवेदनशील हमरे बाटी उतने संवेदनशील आदरणीय नेता भाग्यश खान रहे हैं और जौन बाटे वही के स्वरूप वो जौन बाटे कैबिनेट हार के भी गई ले वहाँ जौन बाटे अध्यादेश के मार्फत में एक एक जौन बाटे जैसे भी छुटा एक पड़ल कही के ये अठोटे रहे हैं। लेकिन आप लोग के मालूम बा यहाँ के जौन बाटे चल खेल करे वाले और लोग भी बाटे उलट पुलट कही के जौन बाटे वहाँ सिग्नेचर मोहर भी नहीं लगल और ज्यों के त्यों थनकाई रह गई। लेकिन आज के दिन में ये देश में जौन बाटे स्थापित सरकार के ऊपर हम अंगूरी उठा के बोलब कि यदि वो जौन बाटे दुई महीना के अंदर में यदि निर्दोष लोगन के जौन बाटे बा इज्जत बरी नहीं कैले तो थारू लोग चुपचाप नहीं बैठी हैं। आवे वाला दिन भी जुना पुनः जौन बाटे ये आंदोलन के बिगुल फूरेगे के लिए थारू तैयार रही तैयार बाटी ना लोग एकदम तैयार रह पड़ी। कहे कि विगत के दिन में तमाम अधिकार के पहचान के आंदोलन करे खातिर थारू कल्याणकारी जौन बाटे सामने सड़क पर रहा है हर जगह कोना कोना काब्चा पर रहा है। तो आवे वाले दिन में भी हमरे ज्यादा नहीं समय दे दुई महीना के टाइम दे जाए दुई महीना में यदि सॉल्व नहीं किए तो हमरे फिर सड़क पर नजर आ जाए। उस सभासद के कह के हम किनारे नहीं रह हम आप लोग के अगुवाई में चल रहे आप लोग के साथ में सड़क पर नजर आए। हम विगत के दिन में 45 डिग्री सेल्सियस के धूप खाइल गए आदमी हो गाड़ी खाइल का मन हो जाला लाल जूता लाठी खाइल का मन होला लेकिन कौन सी प्राप्त कर खातिर तकलीफ तो उठे ही पड़ा भाई लोग। ऐसे आप लोग के यह बात आह्वान करत आवे वाले दिन में थारू कल्याणकारी के जौन बटे भवन के निर्माण करे खातिर हमारे आदरणीय दाजू जौन की उनके अपने तो नहीं बाटे अशुभराज चौधरी और चंडी प्रसाद चौधरी के योगदान से इस जमीन इस जगह प्राप्त भइल एक हमारे कंटिन्यू रह के जौन बा आज के दिन में ये जौन बा भवन निर्माण तैयार बा। आवे वाला दिन में आप लोग नेक्स्ट जब जौन बा हुई तब आप लोग के द्वितल्ला भवन के रूप में देखा जाए थारून के खोता द्वितल्ला भवन के रूप में जो बोलो कि तीन तल्ला मैडम तीन तल्ला बताऊँ द्वितल्ला बहुवर्षीय कार्य योजना बा प्रत्येक साल जो बटे बढ़त बढ़त चल जाए आप लोग के इज्जत आप लोग के सम्मान आप लोग के पहचान थारू कल्याणकारी जो बटे निश्चित रह जाए। लेकिन आप लोग के भी काम आई कि बिहान के दिन में सही दिशा सही मार्ग सही निर्देशन पर आप लोग के चले पड़ी आप लोग तैयार बाटे थारू समुदाय लाई अहिले हाम्रो संविधान ले थप सम्मान गरेको छ। म रूपन्देही का समस्त दाजुभाइ दिदीबहिनीको तर्फबाट नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट रूपन्देहीको यो थारू कल्याणकारी सभाको मञ्चबाट समस्त देशभरिकै थारू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक सम्मान गर्न चाहन्छु उहाँहरूको प्रगति र समृद्धिको म कामना गर्छु। थारू भाषा थारू संस्कृति थारू जातका समस्याहरू छन् केही मुद्दाहरू पनि छ ती समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्दछ। ती मुद्दाहरूलाई राज्यले सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्दछ भन्ने म जोड दिन चाहन्छु। थारूहरूलाई देश विकासको मूल प्रवाहमा समाहित गरेर मात्रै देश अगाडि बढ्न सक्छ। थारू समुदायबाट आउनुभएका प्रदेश राष्ट्रिय तहका नेताहरूलाई हामी सम्मान गर्न चाहन्छौँ र उहाँहरूको अगुवाईमा देश नवनिर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। अहिले हाम्रो लुम्बिनी प्रदेश र नेपाली काङ्ग्रेसले थारू समुदायबाट
थारू संस्कृति, थारू भाषा र थारू जाति को इतिहास र योगदान का बारे में एउटा अभियान को रूप में अनुसंधान र संप्रेषण का लागि अगाडि बढिरहनु भएका जसले आफ्नो क्षमताले दाङ जिल्लाको तुल्सीपुरमा थारू म्युजियम र थारू संस्कृतिको बारेमा धेरै ठुलो केन्द्र बनाउनु भएको छ। दिल्ली बहादुर चौधरी जी, माननीय दिल्ली चौधरी जी, नेपाली काङ्ग्रेसले संविधान निर्माण गर्ने बेलामा पनि उहाँलाई संविधान सभाको सदस्यमा जिम्मेवारी प्रदान गरेको थियो र अहिले पनि नेपाली काङ्ग्रेसले उहाँलाई लुम्बिनी प्रदेश जहाँ थारूहरूको बाहुल्यता छ देशमा, बर्दिया, बाँके, दाङ, देउपुरी, कपिलवस्तु, रूपन्देही, नवलप्रासी थारूहरूको धेरै ठुलो योगदान छ यो जिल्लाहरूको निर्माणका लागि। यहाँको भौतिक विकास, यहाँको कृषि, यहाँको शिक्षा को विकासमा थारू समुदायको धेरै ठुलो योगदान छ। यो चारकोसे झाडीलाई फाडेर चाहिँ यहाँ खेतीयोग्य जमिनमा रूपान्तर गर्ने काम यहाँको थारू समुदायले नै गरेको हो, जसका कारणले सुरुमा उहाँहरूलाई जमिनको हकदार, जग्गाको मालिक या जिमिनदारको रूपमा स्थापित गरिएको थियो राज्यको तर्फबाट। आज त्यो भूमिमा, लुम्बिनी भूमिमा नेपाली काङ्ग्रेसले एउटा थारूको छोरालाई, थारूको प्रतिनिधिलाई प्रदेश सभामा नेपाली काङ्ग्रेस संसद दलको नेता बनाएको छ। भोलि यो सत्ता गठबन्धनमा कुनै फेरबदल भएर सरकार परिवर्तन हुने स्थिति आयो भने थारूकै छोरा दिल्ली चौधरीजी नै यहाँको मुख्यमन्त्री बन्नुहुनेछ। त्यहाँले यो समस्त थारूका प्रतिको सम्मान पनि हो, थारूका प्रतिको हाम्रो विश्वास पनि हो। त्यहाँ हाम्रा केही कमी कमजोरी छन् भने म त्यसमा सुधार्न तयार छु, नेपाली काङ्ग्रेस सुधार्न तयार छ। तर नेपाली काङ्ग्रेसले बहुधार्मिकता, बहुजातीयता, बहुसांस्कृतिक यो विविधतालाई सहजतापूर्वक लिएको छ, लोकतन्त्रले विविधतालाई स्वीकार्दछ र सबैलाई सम्मान गर्दछ। तराईका मधेसका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, मधेसी दाजुभाइ दिदीबहिनी, या यादव या थारूको नेपाल निर्माणमा विशिष्ट भूमिका रहेको छ, आउने दिनमा पनि रहिरहनेछ। कसैले पनि मधेस र मधेसीलाई कमजोर गर्न खोज्यो भने त्यसका विरुद्धमा हामीहरू उभिनेछौँ। थारू र थारू अधिकारलाई कमजोर गर्न खोज्यो भने हामी त्यसका विरुद्धमा उभिनेछौँ। त्यस कारणले म तपाईँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु, विगतका दिनमा मेरा मित्र धनीराम चौधरीजी, इन्जिनियर धनीराम पनि धेरैको नाम मिल्छ, त्यो इन्जिनियर धनीराम चौधरीजी जो थारू कल्याणकारी सभाको केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँलाई टिकापुरमा भएको घटनाको कारणले उहाँ लगायत रेशम चौधरी, लक्ष्मण चौधरी लगायत केही थारू अभियन्ताहरूलाई, अगुवाहरूलाई मुद्दा लगाइएको छ र केही जेलमा हुनुहुन्छ, केही थुनामा हुनुहुन्छ, केहीलाई पक्राउ पूर्ति जारी गरेको छ। तर अहिले विगतमा हाम्रो गठबन्धनको सरकारले प्रधानमन्त्री नेपाली काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउपा रहेको बेलामा, म गृहमन्त्री भएको बेलामा सरकारले थारू कल्याणकारी सभासँग गरेको सम्झौता तराई मधेसका विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरूसँग गरेको सम्झौता र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विप्लवसँग गरेको सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ, त्यसका प्रति सरकार प्रतिबद्ध छ, त्यसमा आवश्यक
कानून को संशोधन होने कानून संशोधन करें भे पनि उहाँहरुसँग भएको सम्झौतालाई हामीले कार्यान्वयन गर्ने छौं। उहाँहरुको मुद्दा फिर्ता लिने छौं। त्यसका लागि कानूनको पनि निर्माण गरिने छ भनेर केही दिन अगाडि मात्रै हामीले अध्यादेश ल्याएका छौं। म थारू कल्याणकारी सभाका केन्द्रीय अध्यक्ष मित्र धनराम चौधरी जीलाई यो मञ्चबाट म उहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। देशभरिकै थारू कल्याणकारी सभाका साथीहरुलाई थारू संप्रदाय र थारू संस्कृति का साथी म आग्रह गर्न चाहन्छु जानेर काम भएन नभएको कुरालाई औलाइदिनुस् जानेर काम भएको छ भएको कुरालाई पनि सम्झिदिनुस् म त्यो हार्दिकता पूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु। हामीले देशमा विभिन्न समयमा उठेका राजनीतिक मुद्दाहरुलाई अगाडि बढाउने क्रममा भएका आन्दोलनमा भएका घटनाहरु केही हिंसाजन्य घटनाहरु पनि यदि ती राजनीतिक दलहरुले ती राजनीतिक शक्तिहरुले आफूलाई शान्ति प्रक्रियामा अगाडि बढाउन चाहन्छन् संविधानका प्रावधानहरुलाई उहाँहरुले अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ र आउने दिनमा मिलेरै उहाँहरुले राष्ट्रिय अभियानमा हातेमालो गरेर अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ भने उहाँहरुलाई त्यो मौका दिनुपर्छ अवसर दिनुपर्छ। त्यसका लागि उहाँहरुलाई मुक्त गर्नका लागि उहाँहरुको मुद्दा फिर्ता लिनको लागि कानूनमा भएका केही उल्झनहरुलाई सम्बोधन गर्नका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपाको पछिल्लो समयमा हामीले अध्यादेश ल्याएकै हो। त्यसका विरुद्धमा उभिने हामी राष्ट्रियताको पक्षमा लाग्नुस् जनताको पक्षमा लाग्नुहोस् लोकतन्त्रको पक्षमा लाग्नुहोस् हरेक नेपाली जात जातिको भाषिक र सांस्कृतिक अधिकार र धार्मिक स्वतन्त्रताका लागि लाग्नुहोस् तपाईको साथमा हामीहरू पनि छौं र तपाईहरूसँग सँगसँगै हामी पनि त्यो विद्रोह र त्यो आन्दोलनमा साथ रहन्छौं। त्यसकारणले म समस्त थारू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई खास गरेर थारू कल्याणकारी सभालाई म पुनः फेरि हार्दिक सम्मान गर्दै तपाईँहरूलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। तर यो कार्यक्रममा हाम्रो दिपेन चौधरीजी जो राष्ट्रिय कलाकार हुनुहुन्छ उहाँले पनि आफ्नो माघीको सन्देश हामीलाई दिनुभएको छ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ र एउटा उत्साह एउटा जागरण भोलिको नेपाल एउटा विकसित नेपाल समृद्ध नेपालको परिकल्पना कलाको माध्यमबाट गीतको माध्यमबाट गायनको माध्यमबाट उहाँले सम्प्रेषित गर्नुभएको छ उहाँलाई धन्यवाद। त्यतै हाम्रो कलाकार उमा चौधरी बहिनी जो रूपन्देही जिल्लाकै छोरी हुनुहुन्छ नवलपरासी जिल्लाको बुहारी हुनुभयो सदैव रूपन्देही जिल्लामा उहाँलाई सम्मान छ देशभरि नै सम्मान छ यस्ता राम्रा कलाकारहरूलाई। त्यसैले मिलन चौधरीको गीत त बाँकी नै छ सुन्दै पऱ्यो सबैजनाले सुन्नु होला र घनश्याम सेन्चुरी उहाँले पनि माघीको सन्दर्भमा ज्यादै राम्रो प्रस्तुति गर्नुभएको छ मैले पनि गीत गाउँदै जस्तो लागेको छ फेरि समय लाग्ला ओ माघी रे जल्दी आजा यति मात्रै भयो यसबाट अर्को साल अलिक बढी गाउँला हुन्छ ओ माघी रे जल्दी आऊ रे र सबैलाई मेरो हार्दिक सम्मान तपाईँहरूलाई सम्मान गर्न नै हामीहरू बसिरहेको हो र फेरि आउने सालमा पनि हुनेछ त्यो संस्कृति हाम्रो जातीय पहिचान र हाम्रो भाषिक पहिचान र महत्त्व र हामी सबैले सम्मान गर्नैपर्छ। हस्तान्तरण कहिदेखि खर्तिन आजकै प्रमुख अतिथि आदरणीय बालकृष्ण खाँड दाईकै हार्दिक अनुरोध करिक चाहत बाटे साथसाथमे हमनके आजकै सभा अध्यक्ष शुभ काम में सारी खो जाइल जा कहके हम हार्दिक अनुरोध करी चाहत बाटी एकदम धन्यवाद बा ऐसन ही बनाए प्रक्रिया में डॉक्यूमेंट से लेके सूचना संप्रेषण लगायत के तमाम टेक्निकल काम में सहयोग कैले बाटा शेष दत्त चौधरी जी उनके भी सम्मान पत्र ग्रहण करे खर्तिन हम हार्दिक अनुरोध करी चाहत बाटी चीनो
ग्रहण कई देख खरदिन थारू कल्याणकारी सभा जिला कार्य समिति रूपंदेही के सलाहकार सतिया गाँव पालिका के उपाध्यक्ष सुनीता चौधरी जी के हम हार्दिक अनुरोध करे चाहत बाटी। ऐसा ही हमन के माया के चीनो बा ऐसा ही हमन के संपूर्ण झांकी टीम के संयोजक एवं स्थल के संयोजक सब जन के अतिथि जी के हमन के कर कमल से हमन के सबके सौभाग्य बा। कैसे कहला संत थारू कल्याणकारी सभा केंद्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदरणीय देवी प्रसाद चौधरी जी के हम हार्दिक अनुरोध करे चाहत बाटी। इन राष्ट्रीय कलाकार घनश्याम सेंचुरी जी के हार्दिक अनुरोध करे चाहत बाटी। उमा चौधरी जी के हम ग्रहण करे खरदी जी के हम हार्दिक अनुरोध करे चाहत बाटी। चले हम माया के चीनो ग्रहण कई दे खरदी दी हमार के देवी प्रसाद चौधरी एवं दिल्ली बहादुर चौधरी के हम मंच में मोह माया के चिन्ह से सम्मान कई दे खरदी। आज के प्रमुख अतिथि जी के कौनो सम्मान में कौनो घटुआ ना होए कंजूसी ना होए एकदम भरपूर दिल से दिल खोल के दे दहन से मोह माया के चिन्ना कहके हम हार्दिक हार्दिक स्वागत करे चाहत बाटी। आप सब जन खोई ताली ताली बजा के सम्मान के साथ हमने विदाई करल जा कहके हम हार्दिक अनुरोध करे चाहत बाटी। सहरिया ओइसन ही हमन के मोचरी खुले जात बा सांस्कृतिक कार्यक्रम के आप सब जनो ई मंच छोड़ के बस
पिया की पानी हसन बनी बहते तो उड़ी के मैं जही तो पिया जिला कार्य समिति रूपंदेही के सचिव तेज तर्रार महिला कहा जाला जोन रूपंदेही के तेज तर्रार महिला सरिता चौधरी जी सबसे पहला तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज के ही माघ महोत्सव थारू लोगन के नवा वर्ष यानी कि नवा वर्ष के उपलक्ष्य में हमन के थारू कल्याणकारी सभा जिला कार्य समिति रूपंदेही के तरफ से आयोजना भइल माघ महोत्सव 2069 के ही कार्यक्रम में उपस्थित भइल हमन के शोभा बढ़ावल आज के ही कार्यक्रम के केंद्र बिंदु नेपाल सरकार के पूर्व गृह मंत्री संविधान सभा सदस्य माननीय बालकृष्ण खाणजी हमन के थारू लोगन के गौरव थारू अगुआ नेपाली कांग्रेस के हाल में संसदीय दल के अध्यक्ष जी वही से थारू कल्याणकारिणी सभा के केंद्रीय उपाध्यक्ष तथा लुम्बिनी प्रदेश के संविधान सभा सदस्य माननीय देवी प्रसाद चौधरी जी वैसे माननीय लुम्बिनी प्रदेश सभा के प्रदेश सभा सदस्य माननीय संतोष पांडे जी पूर्व प्रदेश सभा सदस्य माननीय पुष्पा चौधरी जी लगायत नाम तो बहुत ले कितना मिल के नाम ले सब जितना मन के पहुना लोग रहने विशिष्ट पहुना लोग रहने बड़का पहुना लोग रहने सब के सबसे पहले आज हमन के ई कार्यक्रम के गरिमा बढ़ाए करती उपस्थित भइल गेल अपन एकदम व्यस्ततम समय के बावजूद हमन के जोन आप लोग गरिमा बढ़ा दिए गए एक लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद दी चाद बाटी। वे क्रम में विभिन्न गाँव पालिका हमन के थारू कल्याणकारिणी सभा के साख हो गई साख वो जौन बटे जंगल में रहे वाले साख के वंशी महिले और यहाँ एक इतना बड़ा गणराज्य रहल यहाँ एक सभ्यता के उत्पत्ति होत रहल जौन समय में रोम सभ्यता के उत्पत्ति होत रहल उस समय में यहाँ तिलौरा कोट सभ्यता उत्पत्ति होत रहल ओकर विकास होत रहल वो थारू के सभ्यता रहल वही में गौतम बुद्ध के जन्म भइल रहल त हमन के गर्व करे के चाही हमन के जितना भी बाटे थारू समुदाय में गौतम बुद्ध के जन्म भइल रहल कहीं कि हमन के बहुत गर्व करे के चाही तो बहुत से बात बाकी बा अंतिम में हम पर गई लेकिन नाते कितना बात सुनाए खोजी बहुत कम प्रजात बा कम आदमी भइले के नाते जितना भी उपस्थित भइल गेल बा संपूर्ण के बहुत बहुत धन्यवाद देत अपन दुई शब्द मंतव्य सहित सबके धन्यवाद के मंतव्य भी साथ में देत ई सभा ई समारोह ई महोत्सव यही समापन भइल घोषणा करत बाटी जय थारू।